कैमरा चालू है, पिक्चर ठीक से बनेगी। तुम भी अकेले असंगो नहीं सचते एकाकी संचरित वीरो, वो वीर पुरुष परमात्मा अकेले अपनी सत्ता पे नहीं तो क्या, तेरी ये तेरा शरीर यही पड़ा रह जाएगा, तेरी दौलत यही पड़ी रह जाएगी, ये तेरा सांस भी तेरा, ये तेरा सीना उन्हें ना सब बैठ जाएगा, ये फूक जाएगा तर के बाद मसान घाट है, ये मसान में बैठते हैं। हाँ मसान में नहीं, और तुम कहाँ बैठे हो? आपके आश्रम में बैठे हैं। हमारे आश्रम मिथलोक में बैठे हो, मसान में बैठे हो, मिथलोक कहते हैं इसको जहाँ तुम खड़े हो। हुए हैं पाँव ही पहले नबरदे इश्क में जख्मी, न मुझसे भागा जाए न उससे ठहरा जाए, अब कहो किस चेहरे पे दावा असल का करूँ, मेरा घर है मुखौटों के बाजार में, सब नकली चेहरा लगा के सर्च लाइट मारते हैं ऐसे कैमरा की तरफ, शानदादा कहते हैं। बाबा बताए नहीं कुंभ के बारे में, कुंभ क्यों लगता है और ये जो अर्थ कुंभ होता है इसको दिव्य कुंभ भी बोला जा रहा है? ये हम नहीं बोल रहे, तुम नहीं बोल रहे हो, ये सब राजनेता बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं सर? पहले अर्थ कुंभ बोलते हैं। अच्छा ये बताओ कि 6 साल को 12 साल में कैसे तुम प्लस माइनस करोगे? कल भी मीडिया स्टूडेंट ही आए थे, उन्हीं लोगों ने तुमको बकअप किया, बम्बई की मीडिया थी। मुंबई गए हैं आप? बम्बई नहीं गया, मुंबई गया हूँ। ब्रह्मा बनाने में परेशान है, विष्णु खियाने में परेशान, और शंकर मारने में परेशान है। प्रयाग किसे कहते हैं? आइए सामने क्वेश्चन की। प्रथम यज्ञ ब्रह्मा ने दुनिया बनाने के लिए जहाँ किया उसे प्रयाग कहते हैं। भीड़ वैसे हर बार से ज्यादा है कि कम है इस बार? हाँ भीड़ धीरे धीरे आ रहा है, आ रही है धीरे धीरे। कल तो बड़ा स्नान है, कल होगी भीड़? हल्के लेने आता है, बापू को लेने कोई आता ही नहीं। आप कब से हैं यहाँ? हम तो कई जन्म से हैं। हाँ संभव नहीं किया, आज संभव किया होता तो जनता मेरे को मालूम है क्या किया, मर 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 आकर बापू के पास चला। क्योंकि हम मीडिया में चल रहे हैं बेटा, हम एक साधु समाज के हीरो हैं, समझ जाने का क्या है। सबसे बड़ा गंदगी वाला काम है ना, सबसे बड़ा गंदगी वाला काम है। सुनाई हमारे सभा स्वास्थ्य विभाग वालों के सिवा कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। अरे कम से कम 500 रुपये तो चाहिए, लेकिन सुनेगा कौन? पैसा बैंक द्वारा दिया जाता है और बैंक के साथ बड़ी भारी दलाली होती है, यहाँ पे गरीबों की कोई सुनाई नहीं होती। मैं हिरम चतुर्वेदी हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग का पूर्व विभागाध्यक्ष हूँ, इस समय प्रोफेसर हूँ वहाँ पर। और कुंभ पे इसलिए लिखना ज़रूरी हो गया क्योंकि दो तरह की रचनाएं आ रही थीं। एक तो रचना जो हमारे पाश्चात्य स्कॉलर्स हैं वो जिस तरह की रचना कर रहे थे जिसमें भारतीय परंपरा का ज्ञान नहीं है, और दूसरा कहीं ना कहीं औपनिवेशिक इतिहास लेखन से वो प्रभावित है और पूरी तरह से वो इसे ऐसा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एक ऐसा नैरेटिव तैयार कर रहे थे जिससे लगे कि ये सिर्फ एक कॉलोनियल अवदान है भारत को।
दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, जो दूसरी तरीके का इतिहास लिखा जा रहा था उसमें जब जो भी पुराण में लिखा है उसे सत्य मान लिया, काटे सत्य, और उसकी वो चर्चा करते रहे। जैसे पार्जिटर जैसा विद्वान जो बता गया कि पुराण से भी ऐतिहासिक सामग्री कैसे निकालनी है उसका ख्याल नहीं किया, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जहाँ तक कुंभ का प्रश्न है, लोग अक्सर कहते हैं इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और इसीलिए नहीं मानते हैं, तो युआन सांग से लेके जो 644 में प्रयाग आ रहा है, अर्धकुंभ का पूरा उल्लेख कर रहा है, हर छठे वर्ष में हर्ष के द्वारा दिए गए दान की चर्चा कर रहा है, या अलबरूनी जो 1017 में आ रहा है प्रयाग और वो चर्चा कर रहा है। कुंभ का मूल अर्थ अगर आप देखें तो कुंभ पॉट है, क्ले का बना हुआ मिट्टी का बर्तन है जो धन्वंतरी के हाथ में निकला एक रत्न के रूप में समुद्र मंथन के। तो उस पूरी कहानी को अगर आप देखें तो चार जगह उसकी बूंदें छलकी और वो सबको मालूम है, लेकिन फ़र्क है यहाँ बाकी सब जगह के कुंभ में और प्रयाग के कुंभ में, क्योंकि प्रयाग अगर आप देखें तो ये कॉन्फ्लुएंस है, संगम है तीन नदियों का, यूनेस्को उसको जो है सबसे बड़ा कॉन्ग्रीगेशन मान चुका है और लोग इसे मिथिकल मिस्टिकल इवेंट कहते हैं, कोई कहते हैं बिगेस्ट शो ऑन अर्थ, कोई कहता है बिगेस्ट धार्मिक रिपब्लिक। तो अपने आप ये मार्केटिंग का ज़माना है, मार्केटिंग का दौर है, कंज्यूमरिस्ट कल्चर है, उपभोक्तावादी संस्कृति तो उसका भी हो रहा है। इसीलिए आप देखिए चाहे वो अखाड़े हों और चाहे वो नेता हों और चाहे सेलिब्रिटी हों, जानते हैं मीडिया का आकर्षण कितना है। आप इंटरनेशनल मीडिया से लेके नेशनल मीडिया, रीजनल और लोकल मीडिया का अगर रजिस्ट्रेशन भर देख लें तो आप दंग रह जाएंगे, 3,500 के ऊपर है। लेकिन इसमें तीर्थाटन और तीर्थयात्रियों को सुविधाएं कम होती जा रही हैं, पर्यटन पर ध्यान ज़्यादा होता जा रहा है। संगम घाट में रहते हैं, त्रिवेणी में रहते हैं। हम राजा सनवरसा से आई है, सहरसा जिला से। मेला करना में 1,000 तो लग दिया हमको, 1,000 गरीब लोग था, सरकार दिया हमको पेंशन मिलता है, सरकार दिया तो हम चल दिए। हम बिस्कुट चॉकलेट बेचते हैं, उसी में से हम पैसा लेकर के तीर्थ करते हैं, अपना पुण्य खाति करते हैं। बहुत कुछ बाबा गुरुदेव कृपा से बहुत कुछ मिलता है, बहुत अच्छा मुहूर्त है। जाना कब है? कल जाना है। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। सरकार का पूरा व्यवस्था है, बहुत अधिक। अब की इतना कभी नहीं हुआ, मैं 40 से आ रहा हूँ, हर साल आते नहीं बाबा, हम हर साल आते हर साल, लेकिन 40 के बाद अभी जो व्यवस्था है वो आगे अब क्या होगा कहना मुश्किल है। यदि मोदी सरकार रहेगा तो इससे अधिक व्यवस्था करेगा, लेकिन इसको सरकार भी बनना महा जरूरी है, महा जरूरी है। ये एक तरह के लोगों की आस्था है, भक्ति है, गंगा जी के प्रति भक्ति है। ये दान दक्षिणा देने से ये पुण्य होता है, पुण्य करने से लोगों को जो आस्था है कि ये हमको मिलेगा, ये अपना एक विश्वास है। ये जो है आपको मोक्ष मिलता है, आप जिसके नाम से देंगे उसको मिलता है, ये लोगों की श्रद्धा है, विश्वास है। और बैतरणी नदी पार करने के लिए जो है इनका जो है भवसागर पार करने के लिए एक आस्था है कि गंगा मैया जो है गौ माता हमारा जो है हमको उद्धार करेंगी। जैसे गंगा जी नहाने से ये होता है, गंगा जी नहा लिए तो हमको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मरने के बाद लोगों को जो है गंगा जी का एक बूंद डाला जाता है, तुलसी दल डाला जाता है, तो उसी प्रकार गौ माता भी हैं। गौ माता का श्रद्धा आप देख लीजिए, आज जो है सरकार है अपनी, इनका जो है कत्लखाने में बंद कर दिया गया, कत्लखाने में जा नहीं पा रही हैं, इसलिए इनको जो है इनका पूजा लोग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल पूछेंगे आप। हाँ बोलिए। कि कहा जाता है जनरली बनारस की बात करेंगे। जी हाँ, बहुत फिल्मों में या कहानियों में मैंने पढ़ा है। हाँ, लोग जनरली एक अमूमन कहावत है। हाँ, बनारस जाओ बनारस के पंडे से बच के रहो। हाँ, नदी किनारे जो लोग बैठते हैं पता नहीं क्या मंत्र पढ़ देते हैं, लूट लेते हैं। हाँ,
ये लगभग बात संगम के बारे में भी कहा जाता है। जी हाँ, वहाँ पंडे होते हैं, पता नहीं क्या मंत्र पढ़ देंगे और पैसा ले लेते हैं, 500 ले लेते हैं, 1000 ले लेते हैं। लोग कहते हैं कि जाओ तो बच के जाना पंडित, तो इसके बारे में बताएं क्यों ऐसा कहा जाता है? ये लोगों की धारणा है, गलत सोच है, विचार है। हमने जो है कर्म किया, आपने हमसे मेहनत करवाया कि पंडित जी ये कर्म हमारा करना है, आप कर दीजिए। मैंने वो कर्म आपका किया तो आपकी श्रद्धा के अनुसार हमने आपसे बोला, तो आपने अपने हाथ से अपने श्रद्धा के अनुसार आपने हमको निकाल के दिया, ना कि हमने आपके जेब से डायरेक्ट जबरी निकाल तो लिया नहीं। तो हर साल मेले में आप खिलौना बेचते हैं? हाँ, हर साल बेचते हैं। कितने साल से कुंभ में आ रहे हैं? पिछले कुंभ से मेला मेला 400-500 बेचते हैं, ऐसे 250-300 बिक्री हो ही है, बिक्री कोई खास नहीं है। हाँ, खिलौने कहाँ से लाते हैं आप? बनारस से उपड़ा बनाते हैं, जैसे खरीद लाते हैं। कहाँ से हैं? बिहार से, साहिबगंज जिला, दशहरासम गए, जौनपुर गए थे, 5 के 10 के जैसे कस्टमर मिल जाता है उसे भेज देते हैं। लोग तो बहुत आएंगे। हम यहाँ 8 तारीख को सवेरे आए हैं। कौन से स्नान के लिए आए हैं? हम ये पंचमी के स्नान के लिए आए हैं। कितने लोग आए हैं? हम कम से कम भी 15-20 आदमी हैं। कहाँ रुके हैं? हम यहाँ अखाड़े में रुके हैं, श्री आशीष महाराज जीयों के यहाँ। गंगा स्नान करने से पुण्य मिलता है, शरीर की थकावट दूर होती है, एक एनर्जी मिलती है, और इसका पानी बहुत पवित्र है क्योंकि जड़ी बूटियों से टच होके आता है ये हिमालय से। इसे हम चौथा कुंभ है हमारा यहाँ का। यहाँ की व्यवस्था और साफ सफाई के विषय में शासन की बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। हमारे योगी जी कुंभ मेले के लिए बड़ा अच्छा समय दिए और यहाँ की व्यवस्था के लिए भी उन्होंने बड़ी अच्छी व्यवस्था किया और समय समय पर आके यहाँ का निरीक्षण भी किए हैं। और दिव्य कुंभ तो है ही है, ऐसा कुंभ अभी तक हुआ नहीं था। राम मंदिर का भी योगी जी तो एक दिन कहे थे, आए थे अखाड़े में, कि मंदिर बन के रहेगा और हम सब लोग चाहते हैं कि भगवान की मंदिर बन जाए, आस्था का विषय है। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को चाहिए कि मंदिर के विषय में जल्द जल्द निर्णय लेकर मंदिर बनवा देना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। सब सुरक्षा ठीक है, लैट्रीन शौचालय बड़ा मेला बना दिया, एक कमी कर दिया कि मुलायम की सरकार में दिन भर में 4-5 बार पानियां दमराती थी, इसके सरकार में एक बार पानी नहीं दमराता। मेन मकसद यही है सब 2019 का चुनाव। कोई ऐसा मेला है कि जो दसियों चक्कर मुख्यमंत्री आ जाए मामूली बात नहीं है, 3 बार प्रधानमंत्री आ जाए मामूली बात नहीं है। बहुत बड़ा, बहुत कमीशन खोर हुआ है। अगर काम 50 करोड़ का हुआ है, खर्च बाधा जो 25 करोड़ का है, जो कि मेले में सबसे ज्यादा नाम गूंज रहा है दो लोगों का, नंबर 1 पे है किन्नर अखाड़ा लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, दूसरा नाम उदयसानंद महाराज का है, जहाँ पे 75 बार समझ लो सीएम आ चुका है, 13 बार आ ही गया है, पीएम भी आया, सीएम भी आया, डिप्टी सीएम भी आया, राज्यपाल भी आया, और तीसरे पे गुज रहा है जूना अखाड़ा। क्यों? वहाँ चिलम और नागा बाबा को देखने लोग जाते हैं। नागा बाबा 420 होते हैं, हम किसी को नहीं मानते। नागा बाबा एक बता तो रहा भाई, वो नंगा वस्त्र रहते हैं, 24 घंटा चिलम चलना चाहिए, विदेशी को देखे चिलम पकड़ाने पर डॉलर अंदर लेना चाहिए। जितने भी विदेशी यहाँ आए हैं दुकानदार से नहीं खुश पाए, बाबा सब साले खुश हो गए हैं। इतने नहीं खुश हुए हैं कि साला बोरा भर गया होगा। मेरी छोटी सी नाव तर जादूगर पाओ, कैसे बिठाऊं तुझे नाव में, मेरी छोटी सी नाव तोर जादूगर पाओ, कैसे बिठाऊं तुझे नाव में। प्रयागराज संगम पे नहाए गैली, हेराए गैली मोर सोने के झुलनी, हेराए गैले
सास मोर मारे ननंद गरियावे, सास मोर मारे ननंद गरियावे, संयम मोर मारे बांसे कितिंगनी हेराए गईली, मोर सोने के झुलनी हेराए गईली। अभी कुंभ का माहौल तो बहुत अच्छा हुआ, सपोज करिए कि जिस तरह से अर्ध कुंभ को महाकुंभ का दर्जा दिया गया, रियल में है तो अर्ध कुंभ लेकिन दर्जा दिया गया महाकुंभ, और महाकुंभ में दिव्य कुंभ, इससे आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी आस्था और बढ़ गई। अब अभी हम लोग जहाँ पर इस समय हम लोग यमुना नदी में हैं, यमुना का पानी हरा है, गंगा का पानी सफ़ेद है, कलर दोनों को अलग है, महत्व भी दोनों का अलग है। ये इसको बोलते हैं साइबेरियन, ये साइबेरिया से आती है। हाँ, अभी ये होली के बाद, मार्च के होलिका दहन के बाद ही चली जाएंगे, और नवंबर में आती हैं। थोड़ा ठेठ शब्दों में कहा जाए और स्पष्ट शब्दों में कहा जाए, एक प्रकार से ये जो महाकुंभ हुआ, ये मोदी जी का एडवर्टीजमेंट भी है। पूरे भारत में ये पूजा बेनीदान कहीं भी नहीं होता। अरे महाकुंभ में बेनीदान होता है, ये बाल में क्या रहता है, औरत का पाप रहता है, यहाँ पर निवारण होता है, और कहीं भी नहीं होता। बोले वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुर्मो देव सर्वकारेषु सर्वदा श्रीमान श्रीमान महागणाधी फतेह नमो नमः। जन्म जन्म का जोड़ा, सात जन्म का जोड़ा है, शपथ होता है यहाँ पर बाल बच्चा के कल्याण के लिए, मूल्य बाल के कल्याण के लिए, घर में लक्ष्मी प्राप्ति लिए। और एक बात और सुन लीजिए, ये केस कभी डूबता नहीं, बेनी कभी डूबता नहीं, केस नहीं डूबता। अब बेनी जान करके डूब जाएगा, आप बाल काटो हमारे सामने, चलो गंगा में डालो, नहीं डूबेगा कभी, और बेनी जान करके डूब जाएगा। बेनी माधव कौन है, श्री कृष्ण हैं, उनकी घरवाली कौन थी, रुक्मिणी देवी, उन्हीं ने आकर के यहाँ बेनीदान किया है। हाँ, शंकर पार्वती ने किया यहाँ पर बेनीदान। गंगा मैया की जय, प्रयागराज महाराज की जय, प्रयागराज महाराज की, महाकुंभ की बोलो, महाकुंभ की जय हो। अभी जब तक मिला रहेगा, हाँ, हर साल अपन चमरी जाएंगे, बड़े महादेव, इतना दूरी है ना शिव जी के मंदिर कि आप चढ़ते चढ़ते ना जब नीचे झाकेंगे ना तो आपको झाक लगेगी कि डर लगेगा, पूरा शरीर कांपने लगेगा। कभी कभी नहीं बनेगा, तेरे को चांदी सोना से, तेरा बच्ची बच्चे का नाम सोना से, सिंगार से शादी होगा, और बच्ची की शादी सोना से होगा, देख लेना बिना जाना तुम बता, मेरे पास कुछ नहीं, आशीर्वाद दिया सबका चोरी किया, हाँ अपने गुरु को लूटा भी, मगर खाली एक करम नहीं किया, रसगुल्ले नहीं खाया, काला जाम नहीं खाया, चमचम नहीं खाया, मतलब समझ जाओ मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। हाँ, संभोग नहीं किया, आज संभोग किया होता तो जनता मेरे को मालूम है क्या किया, मर 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 आसान आपकी लगभग होना ही है, खाने
खाने को है, पीने को है, गाड़ी हमारे पास भी हो सकता है, मोटर हमारे पास भी हो सकता है, करोड़ों की संपत्ति है, फिर भी हम एक संत है जी, जी। हम मांगेंगे, मांग अपने गुरुओं को पेट भरेंगे। कर्म है, पति का कर्म है पत्नी को कमा के खिलाना, हम लोगों का साधुओं का कर्म है गुरु को चिता का खिलाना जी। हर इंसान को महाराज अपना आने पर भूल जाते हैं, शादी करने के बाद पत्नी को लात मारते हैं। हम कैसे माने इस देश को जो अपने पत्नी को लात मारता है? कल स्नान करने की तैयारी है, कहाँ नहाएंगे कल? देखो परमात्मा के ख्याल रखेंगे तो कोशिश में संगम संगम गुजरात जामनगर भाकिया गांव से आए हैं और इस भीख की लाइन में हमारे बचपन से है, 8 साल उम्र से है। ये संत साधु का साथ आपने रंग लग गया है, इस रंग में हम जीते हैं और ये नारा साधु बनने के लिए इसमें जो हम लोग का क्रिया है प्रतिक्रिया होता है उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, उसकी बाद ट्रेनिंग की बात पास होता है उसके बाद उसको नागा का लाइसेंस दिया जाता है, उसके बाद उससे सारा देश वो भजन कर सकता है। देखो संत साधु का चला में ही उनकी ज़िंदगी है, हर जंगल में रहते हैं साधु भजन करते हैं, हरी भजन भी एक नेशा है बड़ी, परंतु एक नेशा क्या है धूम्रपान करने के लिए साधु लोग के लिए छोटे होते हैं, फिर ये आदि और आदि संतो ये करके आए हैं। अब बाबा रामदेव बोलते हैं चलन ने बिना है वो सिगरेट का फैक्ट्री को क्यों नहीं बंद करता है, बीड़ू का फैक्ट्री को क्यों नहीं बंद करते हैं, दारू का खुल्लम बेच रहा है। राजनीति में हम लोग इंटरेस्ट देते नहीं, राजनीति लोग जॉब अच्छे छोड़ के खराब रास्ते में जाते हैं, लोग बुराई करते हैं तो हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि ये देश हमारा है, ये देश संतों का है। यदि भावना में भाव नहीं तो बेकार, यदि भावना में भाव है तो भाव से मेरा पार। प्रेम ही इंसान को इंसान से इंसान बना देता है, प्रेम ही पत्थर से पत्थर को भगवान बना देता है। अहंकार के और तीन को नाश, धन वैभव और पंस ना माने तो देख लीजिए राम और कौरव कंस, राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले उसी का, जो बिन पग चले बिना पैर के चलता है, बिन पग चले सुने बिन काना, बिना कानों की वो सबके हृदय की बात सुनता है। एक होता है ज्ञान, एक होता है आत्मज्ञान, असल में और नकल में अंतर होता है, नकल में अकल लगती है, रही सी पैसों से नहीं दिल से होती है, बुद्धि उम्र से नहीं अकल से होती है, स्वर बिना मिले नहीं सर होती, वो गुरु बिना मिले नहीं ज्ञान, वो ज्ञान बिना हैरान से गुजर सकता, मैं तो आपको सुबह हो जाएगा ऐसा ही बोलता रहा। कठिन भूम पदे कोमल गामी और कौन हेद बन में फिट रहो स्वामी, हंस बोले रघुवंश कुमारा ओ विधि का लिखा नहीं मैं तलहारा, बिछाला बिछाए भस्म तन मेरा नहीं, मेरे छाला बिछाए भस्म
भाई ये 1000 रुपया दिया है, लड़का 1000 रुपया दिया है। भाई क्या करते हैं आपके? भाई प्लम्बिंग का दुकान है, फातर फातर का दुकान है, ठेले भी यही कॉन्ट्रैक्टरी करता है, पाइप लाइन का बाड़ी भाड़ा देता है। संगम तक यहाँ से लोग कैसे समझ लें कि पैदल यहाँ से कितनी दूर है संगम? 8 किलोमीटर पैदल के। हाँ पैदल। और तुम स्पेशल कितनी गाड़ियाँ चली हैं आप? 510 या 511 गाड़ियाँ चलानी पड़ी। अरे आओ महाराज जी, आपको जो इंतजार कर रहा था। बाबा कहाँ छिपे पड़े? अरे महाराज जी आए, आ जाओ। ये आपको अभी बुलाने जा रहा, मेरे सब छोकर लोग तैयार है। देखो आपको नहीं बोला था स्नान में जाना है, बच्चे आ रहे हैं सब। सब बैठे हैं। अरे वहाँ रे जय हो, गाड़ी वाले की जय हो, बुलाने वाले की जय हो, गजानन भगवान की जय हो, इनके मातृपिता की जय हो। इतना बड़ा मेला बनाया तो भी इतना भीड़ है। 125 के 125 आ गए अभी। 40 किलोमीटर दूर से नाकाबंदी है। Because of the Ashikur, our friend, Puki. Our tour guide. The one that is taking photos. Took us here. Took us. So, do you know about anything about Ganga? What is the importance of Ganga? Well, it's the goddess and it's the most sacred. And people bath there and people, and that the bodies are disposed there so they don't reincarnate or anything else. Take a bath in Ganga. All you can get off your sins. Yes. Do you believe in this? I do. Thank you.
के साथ लगे आए। अब बहुत अच्छा स्नान देखिए, देशवासी को यही संदेश है, ये जो यहाँ साधु महात्मा या लाखों की संख्या में आए, इन्हें जप तप किया, अनुष्ठान किया, स्नान किया और यही एक गुरु से मनाते रहे सब, इस देश विश्वगुरु था हाय और आगे भी विश्वगुरु रहे, देश के आर्थिक स्थिति मजबूत रहे। एक समय था हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसके पीछे हमारी संस्कृति सभ्यता ही मूल कारण है और आज भी हम उसी स्थिति में हैं। विदेशी आक्रांतों के द्वारा हमारा देश बहुत प्रकार से दलित रहा, अवहेलित रहा, परंतु आप वर्तमान स्थिति में जिस प्रकार के देश की आर्थिक स्थिति समृद्धि इस प्रकार से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, लगता है हम कुछ दिन में पुरानी स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए देशवासी, हमारे देश की जो संप्रभुता है किससे छुपा हुआ नहीं है और ये देश सदैव विश्व को नेतृत्व देता रहा और आगे भी देता रहे। परसों का संगवारिया गंगा जी दर्शन करे बोले और आज यहाँ गंगा जी के आए हो पैदल गए पैदल चल के। कितने दिन से आप लोग हैं यहाँ पे? कितना दिन हो गया? आज 4 दिन हो गया। मॉर्निंग नमस्ते किया है आपने? हाँ। तो रुकने की व्यवस्था यहाँ पे सेंट कैसे मिला? किराए पर लिया गया। किराए पे? किराए। कितना किराया? 4500। 100? हाँ। 4 दिन का? हाँ 4 दिन। कितने लोग रुके? आज शाम को निकलेंगे हम। 40 लोग। कितने लोग रुके थे? 22 लोग हैं इसमें। 40 लोग, 3 लिया गया है। टोटल मिला के कितने लोग? 40 लोग। खाने पीने का सामान लेकर आए? हाँ, सब कुछ लेके अपना व्यवस्था। पूरे मेला को जो है नाश कर दिया मोदी और योगी ने। क्या क्या दिक्कत है बताइए? अरे दिक्कत यही है कि इतनी लेटरिन बनवा दिया, न कोई कर्मचारी ढंग से, न सफाई ढंग से, इतनी बदबू है कि पूछिए मत। वो हाल कर दिया मेला को जो है, पब्लिक तो इतनी परेशान है कि पूछिए मत। लेकिन वहाँ तक पूरा मेला बढ़ा दिया जो है भाभा मऊ तक, वहाँ से पब्लिक जो है संगम आने में वो हाल है कि पूछिए ना। जितनी सुविधा किया है उन्होंने अपना ही किया है, अपना ही किया है, पब्लिक का नहीं किया है। पब्लिक का तो मर गए जो है, मतलब पब्लिक तो मर गई बता रहे हैं। संगम नहा नहीं पाया और बेचारे बूढ़े तो वहीं के वहीं रह गए। ये जबरदस्ती है, ये अपने बोर्ड के चक्कर में इन्होंने इतना बड़ा मेला कर दिया कि पूछिए मत। पब्लिक परेशान है, आप संगम की तरफ कोई पब्लिक को भेज नहीं रहे,
जा नहीं, जब तुमने वहाँ सजावट किया है, सब किया है, तो पब्लिक देखने नहीं जाएगी तो दूसरा कोई देखने जाएगा। संगम पे क्यों नहीं पहुँच पाए? अरे पुलिस वाले जा ही नहीं देते। हम लोग जो है पहले कुंभ करते थे, बड़ा से बड़ा कुंभ हुआ हमारे यहाँ, पुल के थोड़ा इधर आते थे, रेलवे पुल के इधर आते थोड़ा एक इधर थोड़ा सा बस, इधर कभी नहीं आए। 24,000 करोड़ रुपए कहाँ गए? जहाँ से घूम रहे हो ये तुम्हारे बाप का पैसा है। बंगी का था, हमको पैसा नहीं मिलता। आपने जो है 5 रुपए घटाया पेट्रोल में, 15 रुपए बढ़ा दिया, डीजल को बढ़ा दिया, तो उनका अच्छा है। जनता ने आपको बनाया जो है प्रधानमंत्री, तो जनता की सुनवाई भी तो होना चाहिए। जो भी सरकार थी हमारे यहाँ पहले, जो भी सरकार थी, इतना असुविधा था जो है। आप तो बुजुर्ग हैं, बहुत साल से आते हैं यहाँ पे, इतना परेशानी आपको थी। संगम आप नहा लेते थे, योगी जो है बैठ के बाबाओं ने उनको नहलाया धोलाया मालिश किया है। ये अपने सुविधा के लिए बुलाया कि हम लोगों को सुविधा के लिए बुलाया। प्रयागराज तो ये हमेशा से था, कोई भी आदमी आता था तो यही कहता था मैं प्रयागराज जा रहा हूँ, मैं प्रयागराज जा रहा हूँ। इलाहाबाद तो एक टाइटल था हमारे यहाँ, और हमने जो है उसको इलाहाबाद, अरे इलाहाबाद हटा दिया तो करोड़ रुपया खर्चा हुआ, वो इनके बाप का था। मोदी लेके इतना करोड़ रुपया लेके भाग गया जो है, उसका कुछ नहीं कर पाए। मालिया इतना पैसा लेके भाग गया उसका कुछ, चाहे बस स्टेशन हो चाहे रेलवे स्टेशन हो, बुरा हाल। सब सवारी बंद कर दिया, सवारी जाने नहीं दे रहे। हड़ताल हो गया इसलिए कि तुमने पैसा भी नहीं दिया और कम आदमी भी रखा। चलिए अब तो मौन हो रहा हूँ, सबको नुआ ताकि फोटो रहा है। हाँ देखिए सर, 200 रुपये दिया है तब इसको गड्ढा खुदा है। नल के लिए हम 4 चक्कर दौड़ चुके, यहाँ नल पानी की सुविधा कोई आया नहीं बनाने के लिए। हम लोग बड़ी दिक्कत हुई वहाँ से पानी लेके आना पड़ा, ये सब अपने ही मिला है सर। देखिए संगम कोई नहीं पाया जो है, नहा पाया बताओ जो है, संगम कोई नहाया हो तुम लोग? अरे वो कल नहाए हो जो है तुम लोग संगम? हाँ आइए सर दिखाओ आपको जो है। हाँ बाबा कहा उलट जाता है, कहा परेशान है। ये देखिए ये सब बेचारे पड़े रह गए, ये इनको कल जाना था, सब बेचारे पड़े रह गए। देखिए कोई सवारी नहीं है। अब यहाँ से बताइए ये लोग बोझा लाद के जाएंगे तो क्या हाल होगा? ना छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखिए बूढ़े हैं, ये 5 किलोमीटर जा सकते हैं। बोलिए यदि मेला वहीं तक होता तो ये सब झेल लेते। मेला इतना बड़ा कर दिया, इतनी दूर साधन को रोक दिया, फाफा मऊ रोक दिया। अब फाफा मऊ से वहाँ से आते 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 तो इनकी तो हालत ख़राब हो जाएगी। जितनी पब्लिक को इन्होंने कहा किया था जितने पब्लिक उतनी पब्लिक आई कहाँ? अभी जो भी आई वो साधन नहीं पाई, दूसरे बेचारे जो है रहने का जो है जगह नहीं पाया। देखिए यहाँ पटरी नहीं है सर कहीं भी, ये रोड है, ये टीन हमने लगवाई, खुद एसडीएम साहब ने ऑर्डर दिया जो लगवाया। ठीक है भाई, हाँ सील है, ये सील है, यहाँ भी सील था। यहाँ पेशाब करने के लिए जो है इन लोगों को जगह नहीं मिला। अरे जब भाई उनको वेतन दोगे तभी तो वो करेंगे सर। कुछ दिखाना है, ये देखिए ये भी सील किया है, ये टूट गया जो है ये भी सील किया, ये देखिए सब सील किया था, ये सब तोड़ तोड़ के घुस गए, तोड़ तोड़ के सब घुस गए। तो बाहरी लोग कर दिए हैं। हाँ देख लीजिए।
देखिए, मैं 89 से कुंभ देख रहा हूँ, छात्र जीवन में था। और उस कुंभ में जो हम लोगों ने देखा था, तब हमारे पास एक नाटक की टीम हुआ करती थी, दस्ता। तो वो कुंभ विभिन्न धर्मों का, जिसमें केवल हिंदू धर्म नहीं हुआ करता था, बौद्ध भी आते थे, कबीरपंथी भी आते थे, रैदास के लोग भी आते थे, गांधी मंच के लोग भी कैंप लगाते थे। और वो एक तरह से तमाम संस्कृतियों का एक संगम होता था। बहस वैसे थे, मूलतः हिंदू था, लेकिन बावजूद इसके उसमें सबके लिए स्पेस भी था। लेकिन उसके बाद कहिए तो 89 के बाद के जो कुंभ हैं, उनका एक किस्म का बाजारीकरण शुरू हुआ, जो उसके बाद का ही अर्धकुंभ हुआ। तो उसमें पहली बार बाज़ार के लक्षण दिखे, उसकी थोड़ी कैंपेनिंग हुई, थोड़ा पर्यटन स्थल भी है इसका आकर्षण बढ़ाने के लिए, ये क्रमशः डेवलप किया इस मेले में। इस बार ये अर्धकुंभ था 2013 के बाद, ये 6 साल बाद पड़ा है, ये अर्धकुंभ है। लेकिन शुरू से ही इस अर्धकुंभ को, मतलब जिसे कहते हैं एक सुनियोजित योजना हो कोई और जो दिखती है बाद के दिनों में, इसे पहले तो कुंभ कहा गया कि ये कुंभ है, बल्कि महाकुंभ कहा गया। और जो हिंदू मत के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ उनके सबसे बड़े पदवीधारक शंकराचार्य होते हैं, सभी शंकराचार्यों ने, स्वरूपानंद सरस्वती ने भी, वासुदेवानंद सरस्वती ने भी, इन सब लोगों ने इसका खंडन किया कि ये कुंभ नहीं है, क्योंकि नक्षत्रों के का वह संयोग नहीं है, ये अर्धकुंभ है। यहाँ से एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई, लेकिन ये कंट्रोवर्सी तो मेला शुरू होने के पहले की है, तुरंत पहले की है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्मार्ट सिटी से होना था, उसके पहले विकास मेला प्राधिकरण बना दिया गया, उस मेला प्राधिकरण के तहत सारा बजट पूल कर लिया गया, 4200 करोड़ का बजट। पिछले कुंभ का बजट जो महाकुंभ था 1300 करोड़, इस कुंभ का बजट अर्धकुंभ का 4200 करोड़। और उसकी ब्रांडिंग ये कि कैसे अधिक से अधिक इसे आप पर्यटन स्थल में तब्दील कर दें। आपने जिले का नाम बदला, प्रयागराज किया। दुनिया जानती है कि 1575 में अकबर ने इस शहर को बसाया, और उन्होंने भी नाम नहीं बदला था, इलावास कहा था। इलाहावास आता है शास्त्रों में, इलावास का जिक्र आता है, जो गंगा के उस छोर पर दक्षिणी ओर जो झूंसी है, देखें तो उसे पुरुरवा और इला की राजधानी कहते हैं, और शायद महिलाओं के नाम पर अकेला शहर हुआ करता था। उस 4200 करोड़ बजट का यदि यूटिलाइजेशन आप देखें, जो मैंने अपनी आँख से देखा है, कि मैं 1, 2, 3 तारीख को लगातार मेले में दिन रात गया, बाद में भी जाता रहा। सबसे अधिक प्रचार क्या है? स्वच्छ कुंभ, 1,20,500 या 1,22,500 टॉयलेट, 20,000 यूरिनल, वाटर एटीएम। और जाकर मैं जब देखता हूँ 1 तारीख को 2 तारीख को 3 तारीख को उसी संगम नोज पर, जो सबसे वीवीआईपी घाट है, 20 से ऊपर टॉयलेट थे और एक टैप है पानी का, अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है, सारे मल से भरे हुए। आपको उस टैप तक भी जाना है हाथ धुलने के लिए, तो एक पेशाब की नदी पार करनी होगी, तब वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। वाटर एटीएम केंद्रीय कंट्रोल रूम के बगल में 3 तारीख की रात मुझे बंद मिला, जबकि 3 तारीख को 11:15 बजे स्नान शुरू होना है मौनी अमावस्या का। उसकी तस्वीरें भी हैं मेरे पास। लोगों के प्रति आप कितने संवेदनशील हैं, जो दिखा रहे हैं कि इतना बड़ा बजट 4200 करोड़ का, चूँकि मेले में जनता आती है, लोग आते हैं हमारे, इसलिए हम उनके प्रति संवेदनशील हैं, इसलिए इतने भारी बजट से हम इसे कर रहे हैं। लेकिन लोगों की व्यवस्था का हाल देखिए, तो व्यवस्था तो ये है, 1,00,000 किलो DDT का छिड़काव किया है आपने, ये इनका लिखित दस्तावेज है, बैन है दुनिया भर में 1972 से और हिंदुस्तान में 1985 से। बहुत विषम परिस्थितियों में
पेस्टिसाइड में 85% पानी मिलाकर के आप कृषि कार्य हेतु इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी डीडीटी कहाँ जाएगा? ये सॉयल में जाएगा, ये उसी पानी में जाएगा। और जो नए सर्वेज हैं वो बताते हैं कि ये दोआब का इलाका है ये कैंसर के लिए सबसे अधिक उर्वर हो गया है, और ये डीडीटी उसे बढ़ा देगा। यहाँ तक कि जिन प्रवासी पक्षियों के लिए इलाहाबाद का संगम जाना जाता है, जो आते हैं, फैक्ट्स ये बता रहे हैं कि जब ये वापस लौटेंगे और ये जो अंडे देंगे, जो कुप्रभाव होगा, उस अंडे से बच्चे नहीं पैदा होंगे। ये भविष्य के प्रभाव हैं। ये है दिव्य कुंभ। अब आप साधने की कोशिश में हैं कि किसी तरह से एक हिंदू एकीकरण, एक हिंदू आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स का इसे आप मंच बना दें। इस बार यह सरकार प्रायोजित कुंभ है और लोगों के लिए जगह नहीं है। पूरी कैबिनेट स्नान कर रही है, मंत्रिमंडल की यहाँ बैठक कर रही है, रोज मंत्रियों से पटा पड़ा है शहर, आधा शहर बंधक हो जाता है। सुरक्षा के नाम पर आपने किया ये कि आपने पूरी भीड़ एक हिस्से में ठेल दी है, बाकी जगह के रास्ते आपने बंद कर दिए और वहीं भीड़ दिख रही है। वो जो 5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ स्नान का हंगामा है, 50 लाख आ जाएं तो शहर उलट पड़ेगा, मेला क्षेत्र से लेकर पूरा इलाहाबाद शहर। और आंकड़े उठा के देख लीजिए, जितने गाड़ियों से, इतने ट्रेनों से, इतने बसों से, जितने प्राइवेट वाहनों से और उड़ानों से इतने लोग आए होंगे, वो आंकड़े निकालिएगा तो 30 लाख 40 लाख के ऊपर मौनी अवस्था में भी नहीं जाएगा। जख्म तो इन्होंने गहरे दिए हैं। ऐसा नहीं है कि कम गहरे जख्म लगे हैं। शहर को भी और लोगों को भी। इसके बावजूद लोग हैं ना, जख्म भी खाते हैं, वो भरता भी है और आगे बढ़ते हैं। मुझसे पूछेगा तो मुझे भी कम अश्लील नहीं लगा। लोगों का आना, लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना, उसके लिए जो भी पैसा खर्च हो, मुझे इस बात पर नहीं आपत्ति है कि लोगों की सुविधाओं पर आप पैसा खर्च करें। लाखों लोग आ रहे हैं, उनकी आस्था है, यहाँ तक आते हैं तो हमारे ही जन हैं, सबसे अधिक गरीब आते हैं उनका, लेकिन आपको ख्याल नहीं है, पैसा आपने उनके लिए नहीं खर्च किया है। पैसा खर्च किया है आपने अपने विज्ञापन के लिए, पैसा खर्च किया है आपने कल के चुनाव में जो प्रवासी आपको चंदा देंगे उनकी सुख सुविधाओं को केंद्र करके। आपने इसे अमीरों का कुंभ किया है, आपने इसे अपने राजनीतिक फायदे का कुंभ किया है। यदि लोगों के लिए पैसा खर्च हो रहा होता तो मुझे कतई बुरा नहीं लगता। ये मेरे पिताजी हैं, उनका नाम हजारी सिंह है, ग्राम हरदीचक, पोस्ट हरदीचक, जिला गोरखपुर। ये अगर किसी भी भाई को मिल रहे हैं तो वो जो है इस नंबर पे, इसमें जो दिखाया जा रहा है, इस नंबर पे कॉल करके कांटेक्ट करने का कोशिश करें। कब से खोए हैं आप? अभी खोए हैं आज। किससे, किसके साथ आए थे यहाँ पे? राम फेर भाई है अपना। आप कब से खोई हैं? सोमवार के शाम से 6 बजे। किसके साथ आई थी यहाँ पे आप? मेरा बेटा है, सास है, गुतनी है, ननद है। शिवनंदन काफी, हमारा नाम है, हमारा माता जी कुंभ मेला में गुम हो गए हैं 3 तारीख को, और बांका डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। कितने दिन हो गए खोए हुए? हाँ, 8 दिन। कहाँ से हैं आप? बिहार। हाँ, किसके साथ आई थी आप? साथ में कौन आया था? अच्छा, समझी। आप कब से खोए हैं? कहाँ से हैं आप? सासाराम जिला, राजस्थान। कितना दिन हो गया खोए हुए? 3 दिन हो गया। विजय कुमार मिश्रा, ग्राम मियाँ जी का पूरा बरवा प्रयागराज के रहने वाले। भगवान दास, ग्राम सिमरी, थाना रनही, जिला दमोह के रहने वाले। भगवान दास, आप मेला क्षेत्र में जहाँ कह भी हों तो आप देवलाल पंडा
चारकुंडा का झंडा के बाड़े में पहुंच जाए। मेरा उमेश चंद तिवारी, अध्यक्ष भारत सेवा दल भूले भटके शिविर। हमारा शिविर 1946 में हमारे पिता स्वर्गीय पंडित राजा राम तिवारी, जो कि मात्र 18 साल की उम्र में सेवा काल प्रारंभ किए थे और लगातार 70 वर्ष सेवा करते हुए और 2016 में माँ गंगा के गोद में समाहित हो गए, और इस वर्ष हमारे शिविर का 73वां वर्ष है। अभी तक हमने 15 लाख से अधिक महिला पुरुष और 21,000 से अधिक नन्हे मुन्ने बच्चों के मिला चुके हैं। इस वर्ष 2019 के इस कुंभ में अभी तक 22,000 से अधिक महिला पुरुष को मिलाया जा चुका है और हम बहुत अच्छा शिविर चल रहा है। जो आदमी खो गया वो भी उब गया, उसके घर वाले नहीं आए, गांव के साथ आया है। बस से, ट्रेन से आदमी छोटी छोटी गाड़ियों से बुक करके आते हैं, वो घूमे नहीं मिला तो चल दिए, गांव चले गए, तो इस बात को उसको अंदाज़ा होता है, वो अपने आप कह देता है कि अब हमको लेने कोई आएगा नहीं, क्योंकि हम गाँव वालों के साथ आए थे, गाँव वाले चले गए होंगे, आप हमें बस किराए का इंतज़ाम करा दीजिए, हमें बैठा दीजिए, हम अपने घर चले जाएँगे। ज़्यादातर हमारे यहाँ जो गंगा भक्त हैं बिहार के लोग, हमारे यूपी में 5-6 ज़िले हैं, गोंडा, बहराइच, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, ये अब मध्य प्रदेश में कटनी, रीवा, सतना, यहाँ के लोग ज़्यादा पता That one of the oldest and very famous, no? Juna Akhada is very famous. People may not know about other Akhadas in the mainstream society, but people know Juna Akhada. It's a mass and the biggest Akhada. And when the Acharya and Harigiri Prabhu says that Kinnar Akhada is with us and we are with Kinnar Akhada, and Acharya says that Kinnar Akhada is an asset and I shall keep this asset with lot of dignity and respect. So when an acceptance from such top authorities in the dharma on earth of the Vedic Sanatan Dharma comes so openly in the mainstream society, the stigma, discrimination, the visualization of the community, which is considered not even humans, it's considered transparent. At times, the mainstream society considered them nowhere. We are transparent, not even an object. And then the statement coming breaks down a lot of stereotype of thinking, which millions of rupees and policies won't do. But how could you live at the margins? Livelihood. You're talking two different things, my child. You create livelihood, you create columns in documents, government documents, you make workplace policies. Even when you make workplace policies for safer zones for women, and still people are considered women as an object in this country. Still at times, women are paid less than the man. Okay, in such a society, what needs to be done first? You have to change the mentality. Livelihood is fine, that the government's authorities to do, to create transgender welfare board, to create policies on livelihood, to create inclusion, to create non-discriminative policies. But this all things will be there in space and places. But how it will work when the mentality of the mainstream society changes? My take is simple. Human right is a basic right. Constitution of India gives every citizen its rights as an Indian. We are no one to judge anybody between their likes or dislikes. I'm no one to judge you or anybody. You know, who am I? I'm no one. It's between the God and the God's child. Even the Pope has said these things. I'm no one to judge. For me, what you're doing in your bedroom and what you're doing and how you're doing is none of my concern. You're enjoying your life, you're truthful, you're dealing your life with your own honesty, at your own terms. You're fine, then I'm fine. And I'm not bothered about the society. I was a Charya Maha Mandaleshwar and still I was talking about Section 377 because that is not my culture.
Nowhere in the text it is written wrong or right. If you do some act, if it is not, there is something, then you go and take, it is written in Manusmriti. If you have same-sex behavior, take a cold water bath at midnight. Wow, how scientific one should be. What is Hindutva approach? You have been fed the Hindutva approach by organization who runs Hindutva. I am fed with the text of the Hindutva. What my Veda, my Purana, Mahabharata and Ramayana says. Why? What is in practice? What is Satya Sanatan? What is truth is the Vedic Dharma. So the truth cannot be denied. And every yuga had its own truth. Aham Brahmasmi Tathagat, that Sachitanand Swarup, that ultimate energy, the ultimate God. His, we all are particles of Him. And that particle exists within you or within me. And the Atma, the soul, doesn't have any gender. What you're proud of, being a man or being a woman or being a transgender or being a gay, lesbian, anything. I'm not talking about the Hindutva, what people talk for political gains, for power, for excluding people and making one person higher. I'm talking what is written. We all are equal. यहाँ से सर तो ढाई तीन महीने हो गए काम को, ढाई महीने 100% जी। कब तक रहेगा? लास्ट शिवरात्रि। आप लोग का ड्यूटी कितने घंटे का? 8 घंटे। कब शुरू होता है? कब? 6 बजे से 11 बजे तक, 3 घंटे उधर, 2 घंटे रेस्ट, 2 से 5। किस सेक्टर में लगा है नौकरी? ये डी ऑफिस सेक्टर 2। सेक्टर 2 में वैसे तो 2 गैंग है, लगभग 12 22 वहाँ पे नहीं, स्वास्थ्य विभाग ये ले आके डंपिंग करते हैं, वो गाड़ी ले जाती है जहाँ ले जाती हो। आप लोगों का यूनियन भी है? जी। इस यूनियन से आप लोग? स्वास्थ्य विभाग। कितना पैसा मिलता है वहाँ? 9,000 महीना। 9,000 काम मिलता है यार? 295 का रेट दिया जाता है, तो वही कुछ कम 9,000। बीच में किलो का स्ट्राइक हुआ था, स्ट्राइक किया था? हाँ हुआ था, तो क्या हुआ था? कुछ उसमें जो है बढ़ाया गया है, बोले कि मतलब ना? जी जी, चुनाई हमारे सभा स्वास्थ्य विभाग वालों के सिवा कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है। बहुत जरूरी आप लोगों का काम तो मेन है, जो पूरा कुंभ में जितने लोग आए हैं जी, मेला जो है या तो या आप लोग मनाते हैं, ये जो मेला का मेन जो है आप ही लोग हैं, या जो सफाई कर रहा है, जो पानी ला रहा है, जो टॉयलेट की सफाई कर रहा है, पूरा मेला आप ही लोग के कारण चल रहा है। 4 करोड़ जो 5 करोड़ लोग आ रहे हैं भाई, समेटी नहीं है ना, सब में एकता नहीं है। हड़ताल तो हुआ था आप लोग का? अरे तो हड़ताल 10 आदमी के करने से क्या होगा, 10 आदमी के 10 10 मतलब 100 आदमी हो गए तो क्या कर लेंगे, यहाँ तो 2,000 पड़े हैं ना। लेकिन सरकार तो कह रही कि 4,200 करोड़ खर्च हुआ इस बार। सरकार कह दे कि मैं पूरा नियुक्त कर दिया तो ऐसा थोड़ी कुछ होने वाला नहीं, हमें मिलना ही रहा है तो हम क्या जाने की क्या है। तो आप लोग का क्या मांग है, कितना? अरे कम से कम 500 रुपये तो चाहिए चाहिए, जब आप कह ही रहे हैं। नहीं वैसे तो हम 1,000 रुपये की मांग की थी, लेकिन सुनेगा कौन। टोटल कितने मजदूर होंगे यहाँ? 20,000 हैं जनसंख्या। 20,000? हाँ। स्वास्थ्य विभाग लल्लू जी वाले सहित। अच्छा, कुंभ के बाद आप लोग क्या करेंगे? अब कुंभ के बाद वही है जो अब कारोबार अपना घर का करते हैं, खेती बाड़ी है, मजदूरी है, जैसे यहाँ कमा रहे हैं वैसे वहाँ भी कमाना खाना है। ये तो नहीं है कि अपने बच्चे भूखे मरेंगे या मिसाल जो है। कुंभ लगने से क्या फायदा हुआ आप लोगों को? कुंभ लगने से यही है कि 2-3 महीने के लिए काम किया बस चले गए, 10-20 हज़ार की इनकमिंग हो गई। तो जो बाहर जो मजदूरी मिलता है जी, मान लीजिए आप एक दिन बाहर काम करते हो इलाहाबाद में किसी बिल्डिंग में काम करते जी जी, यहाँ जो मजदूरी मिल रहा है उसमें अंतर है या दोनों बराबर मजदूरी? नहीं कुछ अंतर है, चाहे 10-20-50 का क्यों ना हो, ज़्यादा मिलता है जी, शहर में कम मिलता है। यहाँ कम मिलता है वहाँ मार्केट में ज़्यादा मिलता है, जैसे 300 रुपये उधर कर दिया, खाना पीना भी कर दिया। मैं खुद पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर जैसे पिंगल करते समय अंगूठा तो लग गया, आईडी हमने दे दिया, आधार कार्ड नंबर है, खाता संख्या, तो उसमें जो हम ही नज़र आए,
आप पता नहीं इसमें क्या बना के हमें दिखा सकते हैं। ठीक है, 15,000 रुपये मेरा मारा गया खुद का। इतनी बड़ी माँ जो हड़ताल हुई है, लेकिन डायरेक्ट एडी के पास मैं काम कर रहा हूँ। ये कहें तो ऐसे एडी मतलब एडी जो मेला इंचार्ज है उसके पास मैं काम कर रहा हूँ। उसने मुझे 2 दिन की मोहलत दी है, कल की और आज की। अगर परसों पैसा नहीं मिलता तो क्या होगा, हम कुछ कर सकते नहीं है, जानते हैं। क्योंकि वीडियो आपने बना के दिखाया कि पंचिंग किया, पैसा लिया, साइन किया नहीं, जो कि मैसेज का पैसा मैंने लाया। साइन हमने कहाँ किया, मैसेज ने किया है, मैसेज का मैंने पैसा उठाया। वो तो मैंने जो मेरे को बना दिया कि आपने पैसा उठा लिया। ये मेरा हेल्प कौन कर सकता है इस मेले के अंदर, कोई नहीं करने वाला। बस मेला ख़त्म हो गया, अभी धक्का मारेंगे बाहर कर देंगे। हम लोगों में एकता नहीं है, नहीं 20,000 जनता है, हम चाहें तो ये नहान रोक सकते हैं। अच्छा, आप लोग क्या अपना परिचय बता सकते हैं? मेरा नाम पवन है, हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं कुंभ पे। अच्छा, खासकर मजदूरों पे हम बना रहे हैं। अच्छा। जो मजदूरी लोग कर रहे हैं उनका स्थिति क्या है? आप मीडिया से हैं? मीडिया से नहीं, हम फिल्म बना रहे हैं। तो ये फिल्म में ये है कि हम जैसे गरीब आदमियों का यहाँ पे मतलब कोई विचार नहीं है, ना कोई वैल्यू है। नहीं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, नहीं नहीं बगैर डरे तो बोल ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेले में आए हुए हैं उनकी कोई मतलब हिफाजत नहीं है। ये लड़के सुबह 6 बजे लेकर आए हैं, इस गंगा के रेती पर काम करेंगे, लेकिन फिर भी कोई व्यवस्थाएं हम लोगों का नहीं है। बीच में सुनने में आया था कि ठंड से कुछ मजदूर मर गए। मर गए, सही बात है। तो वो मर गए हैं तो ठंड के बारे में कुछ नहीं हुआ उन लोगों को, बस वही नॉर्मल थोड़ा बहुत 2-4-10 हज़ार दे करके संतुलन करवा दिया है। अब इस तरह के ठंडी में इन लोगों को जो जर्सी जैकेट कुछ मिलने के चाहिए वो कुछ नहीं मिल पा रहा है। यही वजह से ये गंगा के रेती पर ठंड खा गया कोई लड़का, तो इन लोगों का बस वही चिकित्सालय ले जाओ, ठीक हुआ तो ठीक हुआ, नहीं गया तो जाने दो। पैसा को कैसे मिलता है, कैश में मिलता है? पैसा बैंक द्वारा दिया जाता है और बैंक के साथ बड़ी भारी दलाली होती है। किस अकाउंट में आता है? यही जो आपका इलाहाबाद और ये बड़ौदा ये सब बैंक हैं उन पे अंगूठा पिंगल करवाते समय बोल देते हैं कि इतना पैसा चाहिए, 2,000 निकालना है तो 4,000 निकाल लेते हैं। पिंगल करते करते सारा पैसा ही खा जाते हैं। उसके लिए हम लोग करते हैं तो अच्छा खासा वीडियो बनाकर दिखा देते हैं। बस हो गया, बोलते हैं आपने पैसा ले गए। तो बताओ जब हमारा फोटो आप दिखा रहे हैं तो बंदा कैसे बोलेगा? वो तो सामने दिख रहा है कानून के तौर पर कि मतलब ये अपराधी है, ये ऐसा कर दिया। यहाँ पे गरीबों की कोई सुनाई नहीं होती। हम लोग बिहार से हैं। ड्यूटी है कि जो गंदा है टॉयलेट उसमें प्रेशर मारना, और जो भी है लेडीज जेंट्स इधर है और लेडीज इधर है जेंट्स इधर। मेरे जिम्मे में 70 गो है। यहाँ ये नाली सफाई करता हूँ, पानी का नाली सफाई करता हूँ, गड्ढा खनता हूँ। अरे है 10-12 आदमी, पूरे मेरे 10-12 आदमी पूरे नहीं, मैं सेक्टर नंबर 5 है, एक गैंग में 12 हाँ, जल निगम, जल निगम से। सरकारी नौकरी है या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पे है? अरे 400 रुपया मिलती है मजूरी, 400 रुपया मिलता है ना। पता नहीं लेबर सब अपना अपना है, हम लोग पहले पहले आया हूँ, माल लोग को समझ में नहीं आ रहा है। ये जो पैसा मिलेगा आपको इसका क्या करेंगे? जगह बनाएंगे, घर बनाएंगे। उस पैसे का जगह बनाएंगे, कुछ दारू पी जाएंगे, कुछ मीट खाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और अपनी आगे आगम देंगे। कितने देर बच्चे देती है, कितने साल में कितने बच्चे देती है? 30 बच्चे तो देंगे। रोज मांस मछली खाते हो? रोज नहीं, 30 दिन 4 दिन। अभी यहाँ पे कितना कमा लिए? 50,000 अभी तक तो 50 पैसे भी कमा लिए, 50,000 की बात कर रहे हैं। नहीं, जाते समय तनख्वाह कितनी मिलेगी हमारी? 2 महीने की 30,000 रुपये मिली तो आती। हाँ, मेले में रिक्शा अलाउ होना चाहिए, सब रिक्शा पब्लिक इतना है, सब रिक्शा अलाउ होना चाहिए। मेले में सर ढाई बार बना रहे, ये हमारा पैसा है रोजी रोट। एक दिन में सर मेले के ऊपर होता है, जैसे मौनी अमावस्या है या मौनी अमावस के दिन
दूर दराज से लोग आते हैं, काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, तो उसमें हमारी भी धंधा पानी चल जाता है। नहीं तो कभी 100, कभी 200, कभी 50, कभी नहीं भी बोनी भी नहीं होते। एक बाल का दाढ़ी का कितना लेते हैं सर? एक दाढ़ी बार का हम लोग 50 रुपये जजमान को बोलते हैं, तो कोई बोलता है हमारे गांव में 10 में बनता है, कोई 20 में बनाता है, कोई 30 देंगे, कोई 15 देंगे, इस तरह का बार। और बाकी 2-3 साल पहले ना ही बाड़ा समाज मिलता था, ना ही बाड़ा मिलता था हम लोग को घाट पे, और रेड बोर्ड मिलता था, रेड बोर्ड पे निराई रेट लिखा रहता था, दाढ़ी बार कितना, मुंडन कितना, खाली सेविंग कितना। लेकिन इस साल ये सर कोई रेड बोर्ड नहीं मिला है, इससे हम लोग को काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। नाई बाड़ा नहीं मिला है सर, इसके लिए भी बंगी सफाई कर्मचारी का भी चार गाली सुनना पड़ता है, पब्लिक का भी सुनना पड़ता है, प्रशासन का भी। नाई बाड़ा में क्या नुकसान होता है? नाई बाड़ा न रहने से बाल इधर उधर उड़ते हैं, लोगों को भी दिक्कतें होती है, पब्लिक का भी, जनता को भी, हमको भी तकलीफ होती है बैठने के लिए, चार बात हर इंसान बोलता है। हाँ जी, हर कुंभ में नाई बाड़ा बनता है, और हर कुंभ में हमको रेड बोर्ड मिलता है, हमको कभी समस्या ऐसे नहीं हुआ जितना इस साल हुआ है। नहीं, इस साल तो काफ़ी समस्या है सर, निकलता रहता है दिन रात काउंटी, अरे 100-150, मतलब 100-150 चाय, मेरा भीड़ बढ़ जाता, ज्यादा भी हो जाता है। इस बार बहुत है, लेकिन मेला उसी हिसाब से विस्तृत कर दिए हैं, दुकान का भी प्रशासन जो भी ले ले आके लाइसेंस बनाते हैं, वो नाप के हिसाब से लेते हैं, जो भी ले रहे हैं, अभी आए नहीं हैं, आए तो वही करेंगे। मेले में 10-15 दिन हो गया है। नई दुकान है? हाँ, नई दुकान। नहीं, शुरू से नहीं है? नहीं। लकड़ी बेचते हैं? हाँ, लकड़ बेचते हैं। कैसे केजी बेचते हैं? 15 रुपये के जी। एक दिन में कितना बिक जाता है? अभी ज़्यादा बिक्री नहीं है। फिर भी अंदाज से कितना? ओ 10-20 किलो बस। कौन ले जाता है लकड़ी? ये खाना बनाने वाले लोग। कुछ नहीं, कोई नहीं, इस बार मेले में कोई फ़ायदा नहीं है, जिसके जैसा चल रहा है, जो किया हुआ है उनको जानकारी है, अपने किए नहीं थे डाले थे, नहीं जमा चलेंगे। तो यहाँ पे क्या करती हैं आप? सफाई कर्मचारी हैं। क्या काम है आपका उसमें? है? क्या काम है सफाई में? सफाई में सभी काम है, झाड़ू है, कूड़ा है, कूड़ा फेंकते हैं, कूड़ा उठाते हैं। किस सेक्टर में हैं आप? कौन से सेक्टर में? 14 नंबर। कितने लोग हैं एक सेक्टर में आपके साथ? 12 लोग। महिलाएं कितनी हैं उसमें? महिलाएं 3 हैं, पुरुष 9। कितना पैसा मिलता है? अब पैसा तो हमको नहीं पता है, पैसा जब वहाँ जो देंगे सरकार, जब जाएगी वहाँ पता चलेगा। एक ही बार इकट्ठा मिलेगा? हाँ, 3 महीने का। हाँ। कितने घंटे का ड्यूटी होता है आप लोग? हम लोग का सवेरे से 5 बजे से लेके ना 5-6 बजे तक, शाम तक लोग हड़ताल भी मचा देते हैं। हाँ। कि भाई जो इनको जो है बढ़ के पैसा मिला जाए, सरकार अब टाइम देती है 2-4 दिन का मोहलत दो हम लोग को, सोचे समझेंगे बताएंगे, फिर हम लोग शांत हो जाते हैं सब जितने कर्मचारी हैं। आपका पहला कुंभ है ये? नहीं, हम लोग तो हर साल ही कमाते हैं। ये जो रोटी सुखा रहे हैं आप लोग, ये कहाँ से लाते हैं? ये लोग जैसे आदमी लाते हैं, यात्री आए, खाना बासी हो गया, आदि फेंक देता है, लेकर के सुखा लेते हैं, जानवर हमारे खा लेंगे। मेरा विचार ये है कि जिस तरह से ये लोग अपने कार्य के प्रति जो है मतलब पूर्ण निष्ठा से काम कर रहे हैं, और सबसे मैला चीज़ जो है लोगों के मैले को ये लोग साफ़ कर रहे हैं, तो उस तरह से जो है जो सरकार इन लोगों को 295 के रेट से भी दे रही है भत्ता जो है, तो मेरे हिसाब से वो भत्ता बहुत ही कम है। जो अभी आपने बताया कि 400-450 मतलब ये गवर्नमेंट के मानक में इनका रेट है, तो उससे भी ज़्यादा कम से कम 500-600 के रेशियो से प्रतिदिन इनका भत्ता होना चाहिए। ये तमाम बीमारियों से बचा रहे हैं, बिल्कुल एकदम साफ सफाई दुरुस्त किए हुए हैं, तो इस तरह से अगर इन लोगों को देखा जाए जो इन लोगों को भत्ता मिलना चाहिए बिल्कुल नहीं के समान है। उसमें एक परिवार का गुजारा नहीं हो सकता, इनके पास तो कम से कम 4-6-10 परिवार हैं, तो कैसे गुजारा होगा? हमारा मन ये है हमारी वेतन अगर बढ़ जाए तो हमारी कुछ खुशहाली आए अंदर, और वेतन मांग रहे हैं कोई सुनते भी नहीं हमारी बात, ठंडी में तो कहीं 4 बजे उन रहे, कोई कपड़ा भी नहीं उस तरह देते हैं, वो दीदी या पत्र पत्र के ठंडी नहीं उसमें कटती है, कोई सुविधा नहीं हमारे लिए देते हैं, रहने का है कहीं नाला में कहीं कहीं लगवा देते हैं टेंट,
जिस तरह हम लोग सफाई करते हैं उस तरह का पैसा नहीं मिल रहा है। मेरा नाम अंशु मालवी है, मैं यहाँ इलाहाबाद का ही रहने वाला हूँ और यहाँ पे बहुत लंबे समय से यहाँ झोपड़पट्टियों में और मजदूरों के बीच काम करता रहा हूँ। कि एक इवेंट है और इस इवेंट में सबसे पहले ज़रूरी है कि चूंकि चुनाव नज़दीक है, चूंकि अपनी वाहवाही करनी है, बाकी दूसरे काम हुए नहीं हैं, रोज़गार लोगों को मिला नहीं है, बाकी दूसरे वायदे पूरे नहीं हुए हैं, तो धर्म को एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स में बदलने की कोशिश की गई है। पिछले 2013 में भी यहाँ कुंभ हुआ था, केंद्र में दूसरी सरकार थी, राज्य में दूसरी सरकार थी और होर्डिंग वगैरह कुछ लगे थे, लेकिन हर चप्पे चप्पे पे आपको अपना नाम बताने की ज़रूरत पड़े, ये पहली बार हुआ। गांव-गांव से हम लोगों के साथियों की देशभर से खबर है कि आरएसएस और भाजपा के काडर गांव-गांव गए हैं निमंत्रण लेके, केवल निमंत्रण लेके नहीं, दबाव डाल के कि सबको कुंभ में आना है। तो पहले तो उन्होंने ये एक प्रायोजन किया कि लोगों को बुलाएंगे कुंभ में, फिर उस जो जितने लोगों को बुलाया था उस संख्या से खुद भी आतंकित थे, तो इन्होंने क्या किया, मेले को बहुत ज़्यादा फैला दिया। आपने भी मेला देखा होगा, बहुत ज़्यादा जगहें खाली पड़ी हुई हैं। इन्होंने क्या किया, झूंसी और इस पूरे इलाके में जहाँ कछार में किसान खेती करते थे उनकी खेती उजाड़ दी, बोए हुए खेत को पे इन्होंने गुड़ाई करवा दी। तो इतने बड़े स्पेस को घेरा इसलिए कि अगर जिस जनता को हमने बुलाया है वो आ जाती है तो मैनेज कैसे करेंगे। तो श्रद्धा दूसरी तरफ हो गई, आस्था दूसरी तरफ हो गई, मेले का उत्सव दूसरी तरफ हो गया, सबसे ज़्यादा ये हो गया कि अभी हमको भीड़ को मैनेज करना है। कि अगर आप मेला देखें तो आपको महसूस होगा कि जो हमारे समाज का जो निज़ाम है वही मेले में बदस्तूर जारी है। वो सफाई कर्मचारियों की तो दो तरह की मांगे थी, एक सुविधा और सहूलियत की और मजदूरी की, और दूसरी तरफ था सम्मान की। तो सम्मान की जो मांग थी वो इस तरह से थी कि कहते तो हैं कि उनका ये जगह तय है, ये जगह तय है, लेकिन दरअसल मेले में सफाई कर्मचारियों की कोई भी जगह नहीं होती है। इस बार अगर आपने बातचीत की हो तो आपको पता चला होगा कि बहुत सारी सफाई कर्मचारियों की बस्तियां 5 से 10 बार उजाड़ी गई हैं। एक बार टेंट लगने के बाद उनको बार बार शिफ्ट होना पड़ा है क्योंकि उस जगह की किसी को ज़रूरत थी। और वो बस्तियां भी ऐसी जगहों पे होती हैं जो वहाँ नाले की जगह है, ख़राब जगह है, पूरे कछार में ऐसी जगहें सफाई कर्मचारियों को दी जाती हैं, और बहुत छोटे छोटे टेंट्स जिसमें आप बैठ नहीं सकते हैं पूरा परिवार। एक तो ये डिमांड है, दूसरी डिमांड है कि 295 रुपया उनकी, और जब हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया था तो 155 रुपया थी, और उस साल 195 रुपया की गई थी, और उसके बाद 6 साल में 295 हुई। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि बाकी लोगों की जो हमारा सैलरीड क्लास है उसकी तनख्वाहें कितनी बढ़ी हैं और इनके तनख्वाहों में क्या इजाफा हुआ है। दूसरा कि ये लोग जिस परिस्थिति में काम करते हैं, आपने खुद देखा है कि इतनी ठंड में पानी के बीच, और कहीं पानी है कहीं नहीं है, और लगातार इतना ऐसा काम करना, लोगों की टट्टी साफ करना, और उसके बाद भी अपने पूरे परिवार के साथ रह रहे हैं, बच्चों के साथ रह रहे हैं, और कोई इंतज़ाम नहीं, कोई मास्क नहीं, आपने किसी सफाई कर्मचारी के पास मास्क नहीं देखा होगा, किसी सफाई कर्मचारी के पास सरकार से मिले गर्म कपड़े नहीं देखे होंगे, जूते नहीं देखे होंगे, और जो जूते किसी को दिए गए हैं, एक सफाई कर्मचारी साथी हम लोग के पास आया था, जो जूते दिए गए हैं वो भी बारिश वाले बड़े हैवी गम्बूट दिए गए हैं जिनको पहन के आप चल नहीं सकते हैं। वो केवल तब चल सकते हैं जो आपको कीचड़ में चलना हो और जो मजबूरी हो आपकी, लेकिन
किसी तरह का जो सफाई कर्मचारी अधिनियम है 2013 का उसकी एक भी नॉर्म्स इन्होंने फॉलो नहीं किए। तो हम लोग बार बार ये कहते रहे, सब मेला अधिकारी को हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया कि ये बहुत ही कम तनख्वाह है। तो वो हम लोगों को अर्धकुशल और कुशल और अकुशल की श्रेणियां समझाते रहे। हम लोगों ने बार बार उनसे कहा कि हम लोग न्यूनतम मजदूरी की मांग नहीं करते हैं, हम लोग उचित मजदूरी की मांग करते हैं। न्यूनतम मजदूरी अपने आप में धोखा है। न्यूनतम मजदूरी का मतलब है किसी व्यक्ति को पशु के स्तर पर जीवित रखना, ताकि वो तब तक जब तक कि जीवित है किसी तरीके से आपके लिए काम करता रहे और उसके बाद मर जाए वहीं पर। तो उचित मजदूरी यह है कि उसको अपने जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने की गुंजाइश पैदा हो उसके लिए। तो हम लोगों ने कहा कि ये 295 रुपये बहुत कम है। तो हम लोगों को आश्वासन दिया उन्होंने कि मेलाधिकारी ने कि हम बढ़ाएंगे, और वो बढ़ाया सिर्फ 15 रुपये, और वो भी पूरे काल के लिए नहीं बढ़ाया, उन्होंने जनवरी 27 के बाद के लिए बढ़ाया। तो अब वो 15 रुपये एडिशनल उनको मिलने वाला है। तो इस तरह की असंवेदनशीलता, एक तरफ 4200 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और तमाम लोगों को पता है कि इसमें कितना बड़ा घपला हो रहा है, इसके पीछे कितने किस्से चल रहे हैं, लेकिन ये पूरा मेला जहां टेंट सिटी बस रही है, अप्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है, रोज वीआईपी आ रहे हैं, यहां संसद बैठ रही है जिसमें करोड़ों का खर्चा सिर्फ विधायिका हमारी बैठ रही है, प्रदेश की विधानसभा की मीटिंग हुई, मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई, वो उस उनमें कितना खर्च हो रहा है इसका कोई हिसाब नहीं है, और सारी बचत ये सफाई कर्मचारियों के वेतन पे है। तो ये अपने आप में हास्यास्पद है। बहुत साफ है कि हमारे दिमाग में हड़ताल या इस तरह के शब्द नहीं थे, क्योंकि हम समझ रहे थे कि पता नहीं, मतलब हम लोग एसेस नहीं कर पा रहे थे कि तैयारी कितनी है। उस रात प्रशासन की तरफ से फोन भी आया हमारे पास कि आप, तो हमने कहा देखिए हमने हड़ताल का कॉल नहीं दिया है, लेकिन अगर लोग जमा होते हैं तो हम वहां होंगे, ये श्योर है। और अगले दिन हम लोग वहां जुटे तो बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, 500, 1000, 1500, और ये संख्या बदलती रहती थी लगातार। जो कोई मेले में कह रहा है 14,000 15,000 कर्मचारी हैं, उस पूरी संख्या की तुलना में यह संख्या कम थी, लेकिन फिर भी प्रशासन को ये नोटिस लेना पड़ा। लेकिन जैसे ही हम लोगों को बुलाया उन्होंने वार्ता करने के लिए, उन्होंने सबसे पहले हम लोगों को रासुका लगाने की धमकी दी। उनका कहना था कि आप लोगों ने राष्ट्र को चुनौती दी है और सारा विश्व आप हमारी तरफ देख रहा है, उनको क्या लगेगा कि यहाँ क्या अराजकता फैली हुई। तो हम लोगों ने कहा कि सारा विश्व हमारे ऊपर गर्व से देखेगा कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारे यहाँ लोगों को अपनी बात करने का हक है, तो हम लोगों ने उस हक का इस्तेमाल किया है, सारा विश्व ये देखेगा। लेकिन वो काफ़ी मेलाधिकारी एडामेंट रहे और उन्होंने लगातार हम लोगों को धमकी देने की कोशिश की, रासुका और ये सारी चीज़ों। किस सेक्टर में है? पांच नंबर सेक्टर। और क्या काम है आप लोग का यहाँ पे? हमारा बस सफाई वाला है। सफाई, कितने घंटे का ड्यूटी है? और इस ड्यूटी का तो कोई निर्धारित नहीं है साहब, हमारा किसी किसी दिन 24 घंटा हो जाते हैं। दिनों करेंगे, रातों करेंगे, कह दे दिन भर करेंगे। ज्यादा गंदगी दिखाई दे रही है तो रात में भी लगाते हैं। रात भी लगाते हैं। पैसा वही मिलता है 310। हाँ, बस उतना ही मिलता। नहीं, पहले तो 295 दिए, पिछले महीने पिछले वाले पैसा आया आप लोग के अकाउंट खाते में? आ गया हाँ, किसी किसी के में आ गया, किसी किसी में अभी आया भी नहीं। कुछ नहीं, धुलने पाए धुलने तो मान सम्मान करते गया और क्या किया। तो उससे आप लोग खुश हैं? सर पैर धुलने से, देखो पैर धुलने से क्या है कि मान के चलो हमारा मान सम्मान तो बहुत बढ़ा है, बहुत बढ़ा है, इसके लिए हम तो धन्यवाद कहेंगे कि हैं। मगर ये है कि बताओ पैर धुलने से क्या होता है, कम से कम पेट के लिए तो कुछ चाहिए। बेरोजगार बैठे हैं, ना कोई नौकरी ना कोई कुछ। 40,000 पुलिस की भर्ती की है तो कम से कम 20,000 जनता है तो इसको परमानेंट कर सकता है, उसके हाथ में तो है हर चीज़। गाँव को जो है
मतलब जो वो करके राजपाट दे दिया था अपना आए अब मोदी जी ने क्या दिया अपना सात पैर भर धुल दिया क्या दिया सम्मानित करके चला गया क्या दिया हर जगह फोटो आ गया तो उनको जानते हैं आप लोग इनका पैर धोए थे नहीं उनको कहाँ पहचानते हैं कौन से सेक्टर में थे वो पता नहीं अरे नहीं सेक्टर की बात नहीं है संगम की बात है नहीं नहीं संगम हाँ संगम की हाँ वीआईपी घाट पे हुआ वीआईपी घाट पे उनका नाम वो आया आप जानते हैं क्या नाम था हम नहीं मौके हुए थे तो कोशिश किए जानने का कौन था भाई किसका पैर धोए मतलब किया लेकिन पता नहीं चला तो अंदर मोदी जी के पास में पहुंचे नहीं पाए बैठे थे ऐसे पंडाल बना था तो वहाँ मोदी जी खड़ा है गहरे में यहाँ हम बैठे हैं तो हमारी बिरादर में नहीं जाने दिखाई दिए हाँ दिखाई दिया खूब हमारी बिरादर में एकता नहीं है नहीं उसमें एक बनाना चाहिए मतलब फाइल में अपनी सब समस्याएं लिखा करके मोदी जी को डायरेक्ट एक आदमी देना चाहिए हर आदमी तो नहीं पहुंच सकता वहाँ इतने पुलिस वहाँ कहाँ जान देंगे साथ हाँ बड़ा है तो बोले हैं कोई लोग बताते हैं कि जब यहाँ संगम में आए हैं तो 500 रुपए घोषणा करके गए हैं तो उनको फाइनल करना चाहिए अभी ये ठेकेदारी है लेकिन बीट वाले ठेकेदार लोग खाते हैं उनको फाइनल करना चाहिए कि जितना मैं बोल के यहाँ गया आपको पैसा मिलता है कि नहीं मिलता बिल्कुल कहना चाहिए आना चाहिए फिर पूछना चाहिए कि जितना मैं बोल के गया वो आपको मिलता है सफाई कर्मचारी को कि नहीं मिलता और जो हमका मिलता है तो हम कह देते कि हाँ सर मिलता है और जब नहीं मिलता तो वहाँ कहते कि उनको बोल देंगे कि नहीं मिलता जितना मिलता है उतना बताएंगे सच्चाई बताएंगे सही बात अब पैर धुलने भरे के दिखा दिया है तब क्या पता कि वो हमारी जात के धुला है कि पंडितों के धुलने तो पाँव धो से हमारा पेट भर गया बताइए पेट के लिए हमें चाहिए पाँव धोने के लिए ना चाहिए अरे हमारा कोई ड्यूटी धंधा हमें कोई सर्विस दे दो हमारा भी चले अरे पाँव धो से हमें क्या दे दिया तुम गलत कहते हैं आप कि शांत हो जाएं भाई वो सोचता है कि दोबारा वोट दे देंगे अगर पैर धुल देंगे आप लोग वोट वोट तो कहे ना नहीं देंगे नहीं देंगे गंगा के तट में कहते हैं नहीं देंगे देंगे हमारे खाते में 5-5 लाख रुपए डाल दें हम देंगे वोट देंगे फुल कर देंगे मतलब कुछ करें आपके लिए तब देंगे आप हमारे लिए कुछ कर रहे हैं अब कसम खा के देंगे लेकिन हम आंखों टोटो देखें ये नहीं कि हम आपको बना दिए आप हमें मार दिए लौड़े पर क्या करेंगे बताओ हम तुमसे क्या उम्मीद करते बामन देव तुमने तो खुद अपने शरीर के बाएं हिस्से को अछूत बना डाला हम तुमसे क्या उम्मीद करते बामन देव तुमने तो खुद अपने शरीर के बाएं हिस्से को अछूत बना डाला बनाया पैरों को अछूत रंभाते रहे माँ माँ और माँ और मातृत्व रस के रक्ताभ धब्बों को बना दिया अछूत हमारे चलने को कहा रेंगना भाषा को अछूत बना दिया छंद को दिशा को वृक्षों को पंछियों को समय को नदियों को एक एक कर सारी सदियों को बना दिया अछूत इस पूरे उस पे जो ब्राह्मणवाद का तरीका है तो उसमें नदियां भी अछूत हैं कुछ कुछ पंछी भी अछूत हैं कुछ पेड़ भी अछूत हैं दिशाएं अछूत छंद को दिशा को वृक्षों को पंछियों को समय को नदियों को एक एक कर सारी सदियों को बना दिया अछूत सब कुछ बांटा किया विघटन में विकास और अब देखो बामन देव इतना सब कुछ करते हुए आज अकेले बचे तुम अकेले और अछूत